हमारे पास इस साल में प्लांटेशन है हिमाचल में, धर्मपुर डिस्ट्रिक्ट मंडी में करीबन 480 एकड़ में प्लांटेशन हो रहा है, लातूर में भी 110 एकड़ में प्लांटेशन हो रहा है, उत्तर प्रदेश में भी हमारा करीबन 150 एकड़ का प्लांटेशन है। ये एक एक किसान है, जो 480 एकड़ वाला किसान है वो है, लेकिन हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश में जहाँ पर टेम्परेचर 3 के अंदर होता है, 2-3 के वहाँ, और शिमला हिमाचल में भी और महाराष्ट्र में तो कोई दिक्कत नहीं, सस्बेनिया वहाँ डेड हो रहा है, सस्बेनिया ठीक से काम नहीं कर रहा है, और कई जगह पे जो अच्छा होस्ट है आपने कहा था कि नीम जैसे क्रस्टर्ड एप्पल, वो भी ठीक से हो नहीं पा रहा है। तो क्या हम उस क्षेत्र का स्टडी करके, जैसे उत्तर प्रदेश में अलग होस्ट, हिमाचल में अलग होस्ट, महाराष्ट्र में अलग होस्ट, जैसे अभी हिमाचल है, हिमाचल में खैर बहुत अच्छा आता है, तो क्या उस क्षेत्र के अनुसार हम होस्ट का चुनाव कर सकते हैं? जरूर कर सकता है। डिफरेंट प्लेसेस में डिफरेंट प्लांट्स मिलता है, वो उसका फ़ायदा निकल सकता है। अभी मैंने पंजाब गए थे, पंजाब में दिसंबर में होता है 3 डिग्रीज़ 3 to 0 डिग्रीज़ भी होता है पंजाब में, वहाँ चंदन दाना है, ये चंदन बहुत अच्छा आ गया, ये 10 साल का है अभी, हार्डवुड भी बहुत अच्छा है, उनका भी तेल भी बहुत अच्छा है। वो लोग वहाँ बोलते थे वहाँ अकेशिया है, उनका प्लांट्स है अकेशिया, वो होस्ट डालने का सोचता है, या स्थानिक का ये डाल सकता है, ये उसका ऐसा नहीं है यही होस्ट डालना है वही होता है, ऐसा नहीं है कि वॉट एवर होस्ट अवेलेबल इन दैट एरिया कैन बी ट्रेड एंड इट्स ए लोकल वन, वो बहुत अच्छा आता है। सर दूसरा एक हमने देखा गया है कि महाराष्ट्र में एक ही क्षेत्र में या एक ही गांव में अलग अलग सॉइल है, कहीं रेड है, कहीं ब्राउन है, कहीं वाइट है, तो ये हर एक सॉइल में जब डिफरेंस होता है तो सॉइल की वजह से हार्डवुड के ग्रोथ में या ऑयल में कुछ फर्क पड़ता है? नो, सैंडलवुड कैन बी ग्रोन इन एनी टाइप ऑफ सॉइल, ये रेड सॉइल हो और सैंडी सॉइल और लैटराइट हो या ब्लैक कॉटन, वो सही जगह में डाल सकता है, उसमें भी हार्डवुड ज़रूर आएगा और तेल भी बहुत अच्छा वाले आएगा। बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि हमारा ब्लैक कॉटन सॉइल है, हमने एक पेड़ ऐसे ही टूट गया था, हमने देखा तो ब्लैक कॉटन सॉइल में पेड़ तो बहुत बड़ा होता है लेकिन हार्डवुड उसमें होता नहीं, क्या ये सही है? नहीं नहीं, हो वहाँ भी नहीं अच्छा होता है ब्लैक सॉइल में। ब्लैक सॉइल में क्या करना है, ब्लैक सॉइल समर में क्रैक होता है, उसके क्रैक होने के समय वो रूट का डैमेज होता है, इसलिए उनका पानी डालना है, एक क्रैक साइल क्रैक कम करना है, साइल क्रैक कम करने से और रोटावेटर बीच में लगाने से ये क्रैक नहीं होएगा और वहाँ भी अच्छा हार्डवुड निकलेगा। फिलअप करना है, रोटावेटर लगाना है और पानी भी डालना है, पानी डालने से वो क्रैक कम होता है और रूट भी बहुत अच्छा होता है। जी सर, आपने जैसे पहले भी हमें ट्रेनिंग में बताया था आपने कि चंदन को पानी की ज़रूरत बहुत कम समय के लिए है, चंदन ऐसा पौधा है जो सूखे क्षेत्र में बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करता है, तो मैक्सिमम चंदन को पानी की मिनिमम और मैक्सिमम कितने साल तक ज़रूरत है? चंदन का पौधे में हम लोग बोलते हैं कम से कम 4 months डाल सकते हैं, जनवरी से मई तक, जून में रेन आएगा मानसून, जून टू सितंबर नहीं डालना है, और नवंबर से जनवरी तक
पानी नहीं देना है। नवंबर का नवंबर से जनवरी हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस पीरियड, प्लांट्स को स्ट्रेस करना है। बहुत से लोग उसको सुप्त अवस्था भी कहते हैं। ये स्ट्रेस करने से हार्डवुड जरूर आ जाएगा, उस समय नहीं पानी नहीं देना है। ये पानी पूरा वर्ष में देने से सैपवुड निकलेगा, वो सैपवुड का स्ट्रेस करना है और हार्डवुड भी होना चाहिए, हार्डवुड होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। इसलिए हम लोग कम से कम अबाउट 10 लीटर का पानी एक पौधे का एक दिन का देना है। और ये कितने साल बाद कर बोला? अप टू वी कैन पुट वाटर अप टू अबाउट 6-7 to 8 years बाद में नहीं डालना है। 7 साल के बाद पानी पूरी तरीके से बंद कर दीजिए। बंद कर दीजिए। उससे बंद करने से हार्डवुड में काफी अच्छा हो जाएगा। बट किस जगह में होस्ट प्लांट्स लगाता है ना, उस होस्ट प्लांट्स का फायदा लगा उठना उठने से उसको पानी देना है। जी, जैसे सर आपने अभी बात करते समय बताया था कि क्रस्टर्ड एप्पल के लिए तो 3-4 साल की ही पानी की जरूरत है, उसके बाद तो उसको बिल्कुल पानी नहीं लगता। तो दोनों एक साथ बिल्कुल अच्छी तरीके से कर सकते हैं? जरूर कर सकते हैं। कस्टर्ड एप्पल और सैंडल लगा सकता है। कस्टर्ड एप्पल बहुत पानी कम पीता है, वो चंदन को बहुत कम पीता है, इसलिए बहुत अच्छा होता है। सर अभी सर ने एक बहुत अच्छी बात बता दी है कि चंदन को 7 साल के बाद पानी की ज़रूरत नहीं है। जो भी सूखे क्षेत्र हैं, महाराष्ट्र में मराठवाड़ा है, उत्तर प्रदेश में बुंदेलखेड़ है, हिमाचल में जैसे धर्मपुर डिस्ट्रिक्ट मंडी है, ऐसे क्षेत्र हैं जो सूखे में पड़े हैं, वहाँ बहुत सारा सूखा है, तो उन क्षेत्रों में जो बंजर पड़ी हुई ज़मीनी है उसमें ये चंदन की खेती कर सकते हैं। सर दूसरा एक आखिरी सवाल हम पूछते हैं, सर चंदन का जो मार्केट अवेलेबल है, कई लोग भी इस मुद्दे को लेकर किसानों को गुमराह कर रहे हैं कि चंदन का मार्केट, चंदन आप लगाओगे ठीक है कोई दिक्कत नहीं, पेड़ कहीं से भी लाओगे आप लगाओगे, लेकिन बेचोगे कहाँ पर? ये बहुत हर किसान हर जगह पर यह सवाल पूछ रहा है, बहुत तकलीफ वाला सवाल लोगों को लग रहा है, तो इसका सर मार्केट कैसे और कहाँ अवेलेबल होता है? क्या सारे सारे देश में एक एक एसोसिएशन बना सकता है। ये एसोसिएशन बना के ये सारे चंदन का इकट्ठा कर वहाँ से ऑक्शन कर सकता है। ऑक्शन कर सकता है, वो एक तरीका है। और एक तरीका है, मर्चेंट लोग इंडिया में है, बहुत मर्चेंट ट्रेडर्स हैं। वो ट्रेडर्स आपके खेत में आकर वो सेलेक्ट करके ले सकता है, प्राइवेट वाला ट्रेडर से। ये इसका ट्रेडिंग करने से का मार्केटिंग करने से कोई दिक्कत नहीं है। वो सारे आदमी है इंडिया भारत देश में, ये खरीद करने का ट्रेवर अवेलेबल है। दूसरी गवर्नमेंट की कुछ एजेंसियां हैं? गवर्नमेंट का कुछ एजेंसी नहीं है, सारे ये गवर्नमेंट के एजेंसी है, कर्नाटका में है, कर्नाटका में कर्नाटका सोप्स एंड डिटर्जेंट्स एक संस्था है, ये वाला सारे इंडिया से खरीद सकते हैं। अच्छा। खरीद कर सकते हैं, कर्नाटका का है तो भी पूरे भारत से वो चंदन का खरीद सकता है। जी सर। और सर ये चंदन का जो रेट होता है वो कितने से कितने कैसे होता है? चंदन का रेट है कर्नाटका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फिक्स करता है। कर्नाटका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फिक्स कर वो उसको KSDL वाला ये रेट फॉलो करता है। ये रेट एवरी 3 इयर्स चेंज होता है, मार्केट का बेस्ड ऑन द मार्केट रेट, द रेट्स आर गोइंग टू differ and rates are going to increase.
अभी है गवर्नमेंट का रेट है कम से कम 8,000 रुपीस किलोग्राम पर किलोग्राम, 8,000 रुपए या पर किलो है जी। वो 15 इयर्स वाला है ना, 15 इयर्स वाला 8,000 नहीं मिलेगा जी। क्योंकि 15 इयर्स वाला का चंदन तेल होता है कम से कम 3-3.5% होता है जी। रेट डिपेंड्स ऑन दी ऑयल कंटेंट, ऑयल कंटेंट, ऑयल कंटेंट ज़्यादा होने से ज़्यादा पैसा मिलता है, ऑयल कंटेंट कम होने से कम पैसा मिलता है जी। 15 ईयर्स का पौधे है कम से कम 3.5% ऑयल मिलता है उसमें जी। और एक चीज़ है, हर एक पौधे में कम से कम 15 केजी तक का हार्डवुड मिल सकता है जी सर। 3.1% जब उसमें आता है हाँ, तो उसका मैक्सिमम और मिनिमम क्या रेट एक्सेप्टेड है सर? मैक्सिमम रेट है अभी 6,000 रुपीस है जी। सिक्स ये सैंडलवुड का कट करने से क्लासिफिकेशन करता है जी। क्लासिफिकेशन में ब्रांचेस है जी। और वो छोटा होता है, स्टेम है वो बहुत बड़ा होता है, रूट है वो उसको कीमत बहुत ज़्यादा है, उसको कीमत बहुत ज़्यादा है, रूट की कीमत ज़्यादा है ऐसा होता है जी। तो मिनिमम बेसिक प्राइस उसका 6,000 तो या मिनिमम या 4,000 मिल सकता है, 4,000 तो कम से मिलेगा मिल सकता है, और उसके बाद 8,000-10,000 या 8,000 तक मिल सकता है जी। कम से कम अबाउट 3-4,000 रुपीस है किलोग्राम जी सर। जी सर ब्रांचेस है वो क्लीन करने से वो सैपवुड और हार्डवुड भी दोनों मिक्स कर आएगा, उसको बोलता है मिक्सेड वुड। मिक्सेड वुड है मिनिमम है 2-3,000 रुपीस मिलेगा उनका, 2-3,000 पर किलोग्राम मिलेगा, और उसमें ऑयल निकलेगा 2% ऑयल आएगा उसमें मिक्स में जी सर। जी सर सर ये जो काटने वाले लोग हैं, जब पेड़ 15 इयर्स का पेड़ हो गया तो उसको काटने के लिए यही लोग काटते हैं या उसके लिए कुछ अलग एजेंसियां हैं जो इसका पूरा काम करते हैं? KSTL वाले खरीद करने से ये क्या करता है, ये सारे पेड़ बेंगलोर मैसूर के ले आते हैं जी। अबाउट 3-4 मंथ्स उसको ड्राई करना है जी। उसको वाटर परसेंटेज बहुत ज़्यादा है जी। फ्रेश प्लांट्स में कम से कम 40-50% होता है, ये मॉइस्चर कंटेंट 15% तक होना चाहिए जी। बाद में ड्रेस करता है जी। ड्रेस करने से पहले वाइट वाले उसको बताए वाइट चिप्स सैपवुड है उसको निकलता है, बाद में हार्डवुड को शेव करता है और हार्डवुड का अलग कर वो उसको रेट फिक्स करता है जी, तेल निकलने के बाद जी, पूरा रजिस्ट्रेशन होने के बाद देता है जी, जी, जी। ये बहुत अच्छी जानकारी दी है सर ने हमारे लिए कि चंदन के जो काटने के लिए लोगों में जो डर लगता है या समस्या लगती है, भैया हम इसको कैसे काटे, काटकर इसको कैसे लेके जाए, तो ये वाले सोचने वाली कोई बात नहीं है, ये हमारा काम नहीं है। KSD वाले हैं जो भी लेने वाले हैं उनके आदमी इसको काट कर ले जा सकते हैं। और एक बात है जी, और एक बात है सी, सारे प्लेट या कर्नाटका लेने से ये ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा होता है जी। ये एक एक स्टेट में एक एक एसोसिएशन बनाने से ये एसोसिएशन वाले वहाँ पेड़ काट कर वहाँ क्लीन कर सकता है। अच्छा। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का परमिशन लेने से उस जगह में क्लीन कर सकता है, क्लीन करने से बाद बेच सकता है, वहाँ क्लीन करने के बाद मर्चेंट भी आते हैं और KSDL भी वहाँ आते हैं, वो खरीद कर सकता है। जो कच्चा जो रॉ मटेरियल है वो पूरा यहाँ लाने की जरूरत नहीं है, वहाँ
एसोसिएशन बना के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में परमिशन ले से लेके वहाँ क्लीन कर सकता है, वहाँ से क्लीन कर सकता है। तो ये क्लीन करने का बहुत इंफॉर्मेशन हम लोग दे सकता है जी, कैसे करना है जी, कैसे क्लीन करना है। हमारा पास पावर पॉइंट भी है, उसमें कर सकता है। हम कोई एसोसिएशन बनाए तो आप पूरा उसको हेल्प जरूर आप जरूर हेल्प करेंगे जी, जी, जी। एसोसिएशन बना के वहाँ क्लीन करना बहुत फायदा का काम है जी। क्योंकि सारे पौधे कर्नाटक के भेजने से ट्रांसपोर्टेशन का बहुत ज़्यादा हो जाएगा जी, सही कहा, सही। सर एक सबसे बड़ी चंदन में जो सोचने वाली बात है, या हर किसान चंदन की खेती करना चाहता है, सैंडलवुड की खेती करना चाहता है, लेकिन डरता है वो इसी बात से कि भैया सिक्योरिटी क्या करें, चोरी चोरी है ये चंदन में सबसे बड़ा मुद्दा है, हर कोई पेड़ लगाना चाहता है। तो चोरी के लिए कुछ हमारे पास ऐसी उपाय यंत्रणा उपलब्ध है जिससे कि हम चोरी को रोक सकें? सारे लोग बोलते हैं चोरी होता है, चोरी होता है, क्यों? ये सारे लोग देखना है कितना फायदा होता है चंदन का जी। चंदन एक एकड़ में लाने से कम 2 करोड़ पैसा मिलेगा, एक हाँ 2 करोड़ मिलेगा एक एकड़ में, 2 करोड़ से क्यों 5 लाख क्यों नहीं कर सकते, खर्च कर सकते हैं? फायदा हो रहा है, 50 लाख 20 लाख हम उसमें क्यों खर्च कर सकते? नहीं नहीं, 5 लाख और 10 लाख क्यों खर्च नहीं कर सकते हैं? वो सिक्योरिटी गार्ड रख सकते हैं। अभी सारे स्टेट में आर्म्स भी दे सकता है, आर्म देता है, और चेन लिंक्स पूरा डालना है, इलेक्ट्रिक फेंसिंग, सीसीटीवी कैमरा डालना है। अभी और एक तरीका है माइक्रोचिप्स, जीपीएस वाला माइक्रोचिप्स भी मिलता है, माइक्रोचिप्स सारे पौधे का लगा सकते हैं और ये पौधे कहाँ होगा वो ट्रेस कर सकता है जी, जी, जी। कोई काटने वाला है वो टेस्ट कर सकता है, वो थीफ को जरूर पकड़ सकता है जी, जी। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और कुछ हमारे किसान भाइयों के लिए कुछ कहना चाहते हैं? So thank you very much, and I really excited by giving this information, and I want that every farmer should be happy to grow sandalwood, because sandalwood should not disappear from our motherland. It is a heritage tree for India, and we should keep it, and it should never disappear from Bharat Desh. And any problem any farmer is having in India, they can approach me without hesitation. I will definitely help them. And I may not be able to come to all the field in India, but at least if you have an association, I can come to your association and tell whatever possible, and also help you to grow more sandalwood and to grow them healthy also. That is more important. And I wish all the farmers best of luck. Thank you, sir. Thank you.